छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, यादव की, यादव की, यादव की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, यादव की, माता दुर्गा की, माता दुर्गा की, भोलेनाथ की, शंकर की, यादव की, सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दर्द SV न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर छठ पूजा की तैयारी की जा रही है और यहां पर हम प्रतिनिधियों से पूछेंगे कि यह क्या पूजा है, इसकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका पहले पूरा परिचय दें। सतीश कुमार और मैं यहाँ का मंच संचालक हूँ। हाँ जी सर, छठ पूजा की क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या प्रोग्राम होता है, ये जरा विस्तार से बताएं। सर एक लोकोत्सव का बहुत बड़ा पर्व है और जो हर साल दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस पूजा की तैयारी हम लोग पिछले 3 दिन से करते हैं। पहले दिन नहा खाए होती है, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन पे संध्या को, शाम को सूरज देवता को अर्घ दिया जाता है। ये खरना क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो भी माता बहने या भाई जो भी अपनी आस्था के अनुसार इस पर्व को करते हैं वो पूरे दिन का फास्ट करते हैं। शाम को गुड़ का और चावल का खीर बनता है, उसके बाद में रोटी बनती है और जो भी प्रसाद होता है जो छठ माँ को चढ़ाया जाता है वो बांटा जाता है पूजा करके, और फिर जो भी आपस में लोग होते हैं उनको फिर वो वितरित किया जाता है। फिर जो भी पर्व करने वाले लोग होते हैं वो उसके बाद से अगले दिन तक फिर फास्ट करते हैं। जो पहली अर्घ होती है उस दिन शाम को सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब ये हमारा पहला अर्घ होता है। उसके अगले दिन सवेरे जैसे ही उगते हुए सूरज को नमन करके हम इस व्रत को तोड़ते हैं। पर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये हमारे आस्था का पर्व है, हम लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए इस पर्व को हमेशा एक मंच के थ्रू मनाते हैं। और एक ये हमारी संस्था है छठ पूजा समारोह समिति, जिसके तले हम लोग इसको हर साल संचालित करते हैं। और हम और यहाँ क्या है कि स्वयं सेवी संस्था के द्वारा एक सबसे विशेष बात की गई है कि इस बार जितने भी मंदिर बने हैं, सिरसोपता बनी है, उनका पेंट कराया गया है, घाट की साज सज्जा की गई है। और यहाँ पर जो भी यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, समिति के कार्यकर्ता हैं, समिति के अध्यक्ष हैं विनोद सहनी जी, पूर्व अध्यक्ष हैं अवधेश जी, प्रधान जी सुरेश भगत जी और भी तमाम मेंबर हैं जो समिति के, ये दिन रात एक करके अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं। ये यूपी बिहार के लोगों का बहुत बड़ा पर्व है। आज रात को यहाँ पर क्या जगराते की और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज कि हम लोग छठ माँ, छठी मैया जिसको बोलते हैं, उनका गुणगान करते हैं और उसी के एवज में रात्रि प्रोग्राम किया गया है जिसमें बिहार के 2 कलाकार हैं, उनका भोजपुरी प्रोग्राम गाने बजाने का, जिसमें छठी माँ का गुणगान, उनकी कहानी की व्याख्या करी जाती है और इस तरह से ये पूरी रात चलता है जी। जैसे कि ये गन्ने लगाकर नीचे फल लगाए गए हैं, इसको क्या कहा जाता है, उसका क्या महत्व होता है? इसको हमारी भाषा में कोसी भरना बोलते हैं, जो कोसी जिनकी मन्नत होती है उसमें एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसको हाथी बोलते हैं, हाथी बना होता है मिट्टी का, उसको रखा जाता है, दिए से उसके ऊपर जोत जलाई जाती है और उसके बाद में उस कोसी को भरते हैं। वो क्या होता है, अभी जिस टाइम हम लोग अर्घ देते हैं एक बार होता है, फिर ये रात में, रात जब पहर बीतता है उस टाइम आके उस कोसी को भरते हैं और 4 बजे से पहले जब तक ये पर्व वाले आते हैं उससे पहले वो कोसी हम लोग अपने घर लेके चले जाते हैं। उसके बाद में जब ये कोसी घर चली जाती है तब हमारे जो पर्व करने वाले हैं माता बहन, तो वो लोग आते हैं और फिर इस पूजा को हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, आपका क्या नाम है सर? विनोद सहनी सर। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बताएंगे सर? आज के प्रोग्राम में हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हमारा छठ पूजा का महापर्व बोलते हैं। हम इसको बहुत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ, डर के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हमारे पूर्वांचल वासी, हरियाणा वासी, प्रत्येक राज्य के आदमी जो भी हैं हमारे, हमारा सहयोग करते हैं। डर के साथ का क्या मतलब हुआ? मतलब शुद्धिकरण जो होते हैं, हमारे छठ महापर्व के आस्था के साथ जुड़े हुए हैं।
जो हमारे सभी भाई मिलकर इसमें सहयोग करते हैं, सबकी श्रद्धा लगी रहती है। हमारे सबसे ज़्यादा पूर्वांचल भाइयों का देन है, जिस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों की जो इस छठ पूजा में शामिल हुए हैं। मैं उनसे नम निवेदन करता हूँ, जो आस्था आज बनी है वो आस्था सदा ही बनाए रखें। मेरा उनसे यही आग्रह है। आपके मीडिया साहब की मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? अवधेश कुमार। सर, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस छठ पूजा पर? जनता को मैसेज तो देंगे, छठ पूजा हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और ऐसा त्यौहार साल में आते हैं, खुशी से त्यौहार हम लोग मनाते हैं। हम सब भाई मिल के ये त्यौहार शांतिपूर्वक मनाते हैं। बिहारियों के लिए हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। आप नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। आज का ये क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आज हमारा प्रोग्राम छठ पूजा की है, जो कि एक साल में एक बार आती है और हमारे जितने यूपी बिहार के भाई लोग माता बहन है बहुत श्रद्धा से इनमें पूजा प्रदान करते हैं और सभी भाई को बहुत सहयोग होती है। अगर कोई व्यक्ति कहीं काम भी करता है, अगर छुट्टी लेना चाहे, अगर मालिक छुट्टी भी ना तो चला जाएगा। और रह गई बात कि मीडिया साहब के माध्यम से एक चीज़ कहूँगा कि आज से सरकार हमारे छठ पूजा के अवसर पर एक छुट्टियाँ जरूर दें, ताकि और कोई पर्व होती है तो सरकार छुट्टी देती है, इतनी महान पर्व के अवसर पर एक सरकार ने छुट्टी नहीं देती है। तो सरकार से मेरा गुजारिश है कि एक छुट्टी छठ पूजा के अवसर पर हर व्यक्ति को दे। आज छठ पूजा पर आपके कौन कौन प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं? आज हमारा जिंदल हाउस से आए थे सारे परिवार, और जगदीश जिंदल जी आए थे, रतन जीतन जी आए थे, फैक्ट्री से सूद साहब आए थे, बहुत सारे अजन आए थे, और राम निवास हरण साहब भी आए थे। उनका बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और हमारे बहुत साथी संबंध हैं जो कि हरियाणा से लगे हैं, वो भी आए थे। छठ पूजा पे नया आज क्या किया गया है? आज नया तो काम यही हुआ है कि हम आज घाट के ऊपर में सारे माता बहन आई, हमारा सूर्य भगवान के आराधना करी, उनकी अपनी जो मनोकामना थी पूरी होती है। पूरी होने के माध्यम से 3 दिन खाना नहीं खाते हैं, जल नहीं लेते हैं, ठीक है जी। और बहुत अच्छी से आज हम लोग साफ सुथरा करके, और आपके तरफ से हमारे आपका पुलिस इंचार्ज साहब लोग, एसपी साहब के, डीसी साहब के, नहर विभाग एक्शन साहब को बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत मेरे को सुरक्षा दिए। पानी भी नहीं था, एक्शन साहब ने मेरे को पानी भी छोड़े, ताकि आगे काम हो रहा है फिर भी उन्होंने बोला कि भाई इतनी बड़ी मौत पर्व है पर जरूर पानी देंगे। तो हर साल हमारा ऐसा ही प्रोग्राम वो साहब लोग हमको दें, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का होगा। धन्यवाद। और सर कुछ बताना चाह रहे हैं, हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये सर ऐसा है, जैसे भी हमारी समिति है, हमारी एक छोटी सी समिति आज हमारे समाज की वजह से, सहयोग की वजह से एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुकी है, और इस समिति के और इस सहयोग के माध्यम हम जनता को एक संदेश देना चाहते हैं, जो भी हमारे पूर्वांचल वासी हैं, हम अपने लिए एक इस समिति के माध्यम से हम अपने लिए एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जो हमारे पूर्वांचल वासी यूपी बिहार के लोगों का इस मंच के थ्रू सम्मान बना रहे, हमारी आस्था बनी रहे, हमारी संस्कृति जीवित रहे, और उसके माध्यम से हमारी समिति हर टाइम इस बात को लेके तैयार रहती है कि कोई भी पर्व करने वाला गरीब अमीर किसी भी प्रकार की दुविधा में है या दुख में है तो इस मंच पे आए, ये समिति उसका हर संभव हर समय सहायता करने को तैयार है। जिस तरह से हमने पर्व करने वालों के लिए कपड़े बदलने या जैसी भी है ड्रेसिंग रूम चेंजिंग रूम की गई है, व्यवस्था की गई है, पर्व करने वालों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, फल की व्यवस्था की गई है, और उसके बाद में टोटल लाइट की बार देखा भी जा रहा है, झूलों का भी बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया है। इसमें मेला ग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत तादाद में भीड़ आती है, बच्चे बहुत आते हैं, और पहले से हर साल मतलब मेला का विस्तार किया जा रहा है, इस मंच का विस्तार किया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी घाट है, जो हमारे प्रतिनिधि आए थे उनसे भी हमने मांग करी, हमारे सामने जो नई सरकार आई है हम उनसे भी श्रद्धापूर्वक ये मांग करते हैं कि हमारे
पूर्वांचल वासियों का एक मान रखें, जहाँ पे हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं वहाँ हमारे लिए एक बढ़िया सी घाट की व्यवस्था करें, जिससे हमारे भाई बंधु जितने भी हैं अच्छी तरह से पर्व मना सकें। एक धर्मशाला हम लोगों के लिए बनवा दें, जो हमारे पर्व करने वाले लोग बाहर से आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था हो जाए और पर्व को हम और अच्छे से धूमधाम से मना सकें। और इस मंच को हम एक ऐसे मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जो हमारे पूर्वांचल भाइयों की हर समय हर मंच पर सहायता करने को तैयार रहे। सुनील गुप्ता सर, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? सर मैं यहाँ शिव कॉलोनी में रहता हूँ और हमारे यहाँ पूर्वांचल के जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं एक जगह इकट्ठा होके एकत्रित होके ये छठ पर्व मनाते हैं। छठ पूजा पर आपको कितनी खुशी हो रही है? ये यूपी बिहार वालों के लिए सबसे महापर्व होता है और ये हर कोई बहुत ही हर्लो उल्लास से मनाता है। आज के जो ये पर्व है आपने इस पे क्या विशेष किया? सबसे विशेष ये है कि आज के इस पर्व में सारी दुनिया तो उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, लेकिन हम आज के इस पर्व में डूबते हुए पूर्वांचल वासी डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यही है सर कि हम लोग सिर्फ ऊपर वालों को नहीं देखते, नीचे से भी जो नीचे भी गिरते हैं उनका भी साथ देते हैं, उनको उनका भी आप सम्मान करते हैं। और आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको बहुत ही हर्षोल्लास से एकता के साथ मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।